ये कहाँ से आई है? पप्पा लाया है? वाओ, ये तो मुझे दो, मैं चेक तो करूँ इसको। अरे ऊपर, ये जब स्कूल जाना ना, ये ऐसे दिखाते हैं, ऐसे इधर से, इधर से पकड़ के, अरे ऐसे, अरे अरे ऐसे ऐसे। अरे वाह वाह वाह, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। नहीं, अभी बहुत धूप पड़ रही है, जब स्कूल जाती हो ना ऐसे धूप में ऐसे लगा के जाया करो, ठीक है? फिर धूप नहीं लगेगी आपको। ये लो, ये धूप कवर करने के लिए भी होती है। कौन से स्कूल जाती हो आप? किसवा? इलाइट स्कूल जाती हो? इतना सारा दिन रीलें देखता रहता है, कौन कौन सी रील देखते हो? कोई रील नहीं देखता, झूठा, झूठ झूठ झूठ। किसकी? ट्रिगर्ड इंसान की, तो वो भी तो रील है ना उसकी भी। वो रील नहीं, शॉर्ट अभी वीडियो। देखे, अभी अभी स्कूल से आया, इसका पसीना भी नहीं सूखा है और इसने जो है ना अपनी रील्स देखना शुरू कर दी है। अभी जाओ, उठो, यूनिफॉर्म चेंज अभी करके अभी नहाओ, थोड़ी आया। नहा लो, चलो उठो वो नहा लो, उससे थोड़ी आया। चलो उठो नहा लो, उठो जल्दी जल्दी नहाओ, उठो, खाना तो ये खा। गंदे पांव धो अपने, उठो, मम्मा खाना खा के फिर। पहले नहा के आओगे, फ्रेश होके फिर खाना। उठो, शाबाश 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 शाबाश, हरी यार अप ये क्या मजाक हरी अप है। हरी अप हरी अप हरी अप, उठो 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 उठो। हाँ शाबाश, खाने चला गया और नवाब साहब जो है ना कपड़े लेकर नहीं गए। ये लो जल्दी लो। जी आज मेरे आए हुए थे मेहमान और मुझे कुछ लेट हो गया जिम जाने में, तो मैंने अपनी वाटर बॉटल ले ली है, बस चलते हैं जल्दी से। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊं, बता नहीं सकती हूँ, इंतहा है गर्मी की। और यहाँ से हम लेंगे भाई अपने जॉगर, क्योंकि जिम में रखना अलाउ नहीं है, डेली डेली लेके आना पड़ते हैं। और यही वजह भी है कि मैं गाड़ी पे आती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी छोड़ना होता है, फिर यहाँ से डायरेक्ट चली जाती हूँ बच्चों को छोड़ने। चलें जी, पहुँच गए हैं जिम और चलते हैं अंदर जल्दी जल्दी से। एक तो इतना सारा सामान है ना हाथ में। जी कल मैंने बार बार मोबाइल पे टाइम सेट कर रही थी, फिर मुझे याद आया कि जब मेरी स्मार्ट वॉच पड़ी हुई है दो दो सारी, तो मैंने कहा कि इनको यूज़ में लाते हैं और यहाँ पे टाइम नोट करने में ये हमें काम आएंगी। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं, पहले मैं रनर करूँगी आज और इसके बाद अपनी बाकी सारी एक्सरसाइजेस। तो अब मैं कर रही हूँ ये वाले पाँव की एक्सरसाइज। मैं आ गई हूँ साइकिल पे और साइकिलिंग की जो है ना यहाँ पे मैंने टाइमर लगा लिया है कि मैं पूरे 5 मिनट करूँगी जी। लास्ट अब रह गया मेरा मसाजर और इसके बाद टाइम भी हो गया छुट्टी का, तो बस फिर चलते हैं और जाके बच्चों को छोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपना वर्कआउट जो है ना कंप्लीट कर लिया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ना मैं बहुत थक चुकी हूँ और जैसे सर्दियाँ आती जा रही हैं ना वैसे काम और मुश्किल होता जा रहा है। ओ सर्दियाँ सर्दियाँ नहीं भाई, जैसे गर्मियाँ आती जा रही है ना काम मुश्किल होता जा रहा है। तो बस अल्लाह पाक हिम्मत दे, अभी चलते हैं और बच्चों को रिसीव करते हैं, फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ना है। देखे माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे ऊँट आए हुए हैं। ओ भाई लेती हूँ वापस आके, रुक जाओ। भाई थोड़ा सा तो पीछे कर लो, ये पैदाइशी होते हैं। ये यहाँ पे दूध बेचने आए हुए हैं, मुझे कहते हैं दूध लेना है आपने, तो मैं वापसी पे आके दूध लेती हूँ। खालिस दूध, नेशनल दूध। तब आपने मुझे बताया नहीं हम दूध लेते ना इनसे, वो जब काशी। आपके पापा को ना दूध बहुत पसंद है इनका, आप जिम थी। तो उनके लिए, आपके पापा के लिए लेके ना फ्रिज में रख दूंगी, वो शाम को जैसे आएंगे उनको दूध दूंगे, सरप्राइज देंगे उनको दूध पिला के। से निकलवाते हैं पैसे क्योंकि हमारा बटवा हो गया है बिल्कुल खाली, तो बटवा भरते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये दूध जो है ना कैसे बेच रहे हैं, साफ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और ये देखिए ऊँटनी की छोटी सी बच्ची भी साथ में खड़ी हुई है। अभी तो ये ऊँट सड़क के बीच में आए हुए हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है ना कोई लफड़ा ज़रूर होगा क्योंकि ये सड़क में आए हुए हैं ऊँट सारे। लेकिन माशाल्लाह लग बहुत प्यारे रहे हैं।
हमारे होते होते ही यहाँ से जा रहे हैं। अब पता नहीं ये कहाँ जाएंगे और किस तरफ जाएंगे। इधर देखिए ना, ये गंदे के साफ है। हाँ ये तो साफ है, दूध साफ है ना। हाँ दूध चेक कर ले मेरी बाजी, दूध चेक। चलो ठीक है, बस ठीक है। इस तरह का दूध तुमने कभी माशाल्लाह पिया ही नहीं होगा। चलो ठीक है, कैसे दे रहे हो एक किलो? तुम्हारा मुंह नहीं आ रहा, टेंशन ना लो। 250 किलो देते, इतना महंगा क्यों दे रहे हो? ये शुगर के लिए, यरकान, दमे, सा, मेदे, जिगर वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है यार। बीमारी नीचे की बना रही, तुम्हारी नहीं बना रही यार बीमारी। अच्छा ऊंट की तो बना रहे, तो वीडियो हट जाओ। दे दो 2 किलो दे दो। 2 किलो कराल बाजी, तुम्हें ज्यादा डाल दे। तो अब बारी है पेट्रोल डलवाने की, यहाँ से डलवाएंगे पेट्रोल। यहाँ पे जो है ना, गाड़ी का मिरर भी हो गया है क्लीन अच्छे से। तो आज मैं ले रही हूँ अपनी बाजी के लिए, अपनी हेल्पर के लिए मोबाइल। तो ये मोबाइल लिया है मैंने उनके लिए, बेचारे के पास मोबाइल नहीं है। जब भी उनको बुलाना होता है तो हमें मसला बन जाता है। फिर मैंने कहा मैं उनको मोबाइल ले देती हूँ ताकि हमारा मसला भी हल हो और उनका मसला भी हल हो। ये आ गया बाजी का गिफ्ट हमारी तरफ से। बकरियों के ना खुजली करने का तरीका देखें, यहाँ पे दीवार को ऐसे टकरा 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 के खुजली कर रही हैं। ये देखें, ये इनकी खुजली करने का न्यू स्टाइल है। घर वापस आते ही ये बर्फ़ निकालने का काम, अब तो पता नहीं क्या हो गया, डेली डेली इतनी बर्फ़ जम रही है ना, निकालना मुश्किल हो गया। डेली ये बर्फ़ तो नहीं करते, इतनी बड़ी बड़ी निकल रही है बर्फ़। कुछ समझ नहीं आ रहा कि 2 दिन में इतनी कैसे जम जाती है। या तो कोई पानी गिरा देता है जानबूझ के कि ये जो है ना ऐसे ही बर्फ़ निकालती रहे, इस बर्फ़ को निकालने से फ्री ही ना हो ये। तो जब सुबह उठती हूँ ये हाल होती है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई होती है इसमें, इतनी ज़्यादा बर्फ़। हालाँकि ये मैंने 2 दिन पहले निकाली है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा बर्फ़, ऐसी इतनी बर्फ़, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों इतनी जल्दी जम रही है। ये पूरा ट्रे जो है ना इस टाइम भर चुका है इतनी मोटी मोटी बर्फ़ से। ये देखें ये हालत है, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बर्फ़। तो किसी ने मुझे कहा था कि इसमें नमक डालें, वैसे पहले हम डालते थे, लेकिन अब रोज़ रोज़ जो ऐसा काम हो रहा है तो रोज़ रोज़ बर्फ़ में नमक डाल डाल के नमक ही ख़त्म हो जाएगा। तो अभी टाइम हो गया बच्चों की छुट्टी का, चलते हैं, बच्चों को भी लेके आना है और तुम दोनों के लिए सरप्राइज। चलो अंदर फर्नीचर देखने चलते हैं, उठो फर्नीचर लेते हैं आज, अली का बेड लेते हैं, चलो चलो जल्दी चलो। मम्मा वो तीन वाला बेड लेते ना। तीन वाला लेना, सो जाएंगे हम लोग। सो जाओगे साथ? हाँ। तीन वाले में? हाँ। कभी लड़ाई हो गई तो? नहीं होती, हमारी लड़ाई होती भी नहीं है। आपकी लड़ाइयाँ होती भी नहीं है? हाँ। वाह गुड जॉब मेरा बच्चा, चलो चलो तीन वाला ही पूछेंगे इनसे, चलो। तो जी अभी हम जाने लगे हैं और देखते हैं कि फर्नीचर हमें यहाँ से मिलता है कि नहीं तीन वाला। तो बच्चों की डिमांड है कि हमने लेना है तीन वाला फर्नीचर। अरे इनसे पूछेंगे ना, इनके पास होता भी है। हाँ जी अच्छा आ जाओ चलो। तो अभी हम यहाँ से पता करेंगे फर्नीचर, लेकिन यहाँ पे बच्चों वाले दिख तो नहीं रहे हैं। भाई बच्चों वाले फर्नीचर नहीं है आपके पास? बंक बेड कहने वाली या दूसरे सिंगल बेड? बच्चों के लिए जैसे 3 लेयर वाला होता है, तीन बच्चों के लिए। हाँ हाँ बंक बेड कहते हो? हाँ वो है आपके पास? यहाँ कहीं भी नहीं होंगे आपको, रेमा खान से भी नहीं मिलेंगे। अच्छा वो ऑर्डर पे आप बना देंगे? बिल्कुल बना देंगे। ये वाले सोफे कैसे दे रहे हैं? फर्नीचर कैसा लगा ली आपको? अच्छा है ना। चलो भाई आज हमने जो है ना अली जान के लिए और बच्चों के लिए फर्नीचर भी सिलेक्ट कर लिया है, बस उन्होंने जो है ना टाइम मांगा है 2 से 3 मंथ का, वो हमने जो डिज़ाइन बताए हैं वैसे बनाने के लिए। चलें जी उनके पास देख लिया है, अभी एक बार जो है ना इनसे भी प्राइजेस मालूम कर लेते हैं और हमें पता होना चाहिए कि इनके प्राइजेस क्या हैं। मतलब लेने से पहले मैं चाहती हूँ ना मैं हर जगह से प्राइस पता कर लूँ कि प्राइस क्या है और क्या क्या रेट देते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा डिज़ाइन अच्छा है। ये बेबी कॉट बहुत प्यारा लग रहा है ना, मैं चाहती हूँ इस तरह की डाइनिंग टेबल हूँ छोटी, और फर्नीचर भी प्यारा लग रहा है। तो ये वाला सोफे का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक वाला, और ये वाला फर्नीचर भी प्यारा है।
देखते हैं। हाँ क्या बात अच्छी है। हाँ तो चलें जी आज के व्लॉग का इधर ही एंड करते हैं। और आज जो है ना मैं फर्नीचर मार्केट गई हूँ, फर्नीचर भी मैंने देखा है और प्राइजेस भी मालूम किए हैं। प्राइजेस तो बहुत अप हैं, मतलब सिर्फ ड्रेसिंग टेबल और एक बेड जो है ना दे रहे हैं 2,20,000 30,000 का। और बाकी जो है ना मैंने सोफ़ा सेट पसंद किया है वो 80,000 का। तो प्राइजेस तो बहुत हाई हैं, लेकिन चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर लेंगे। और अभी जो है ना मैंने देख लिए हैं प्राइजेस वगैरह, वो कर लिए हैं। बाकी बच्चों के बेड जो है ना उनका भी ऑर्डर दे दिया, इंशाल्लाह वो भी बन जाएंगे। तो बस इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना मैं आपको एक बड़ा सा सरप्राइज़ दूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी नहीं बताऊंगी, अभी जब मेरा काम हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब तक काम नहीं होता तब तक मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ। बाकी इंशाल्लाह रूटीन जैसे चल रही है वो तो चलती रहेगी। और आप सब बताइएगा व्लॉग आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजिम करें ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। छोटे 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 जो काम है ना वो जल्दी हो जाते हैं, इंशाल्लाह ये भी हो जाएंगे। तो माशाल्लाह मैंने आज अपनी हेल्थ अपडेट भी देनी थी कि अब जैसे मैं जिम कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है और मैं बहुत अपने आप को फ्रेश और एक्टिव फील करती हूँ। अभी जो है ना मैं घर के काम भी जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है। जैसे बीच में मुझे नींद नहीं आ रही थी और बैक पेन बहुत ज़्यादा होता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी सिर्फ मेरे जो है ना जाते हुए मुझे 15 दिन हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है और मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। बाकी मैं जब जाती हूँ एक्सरसाइज करती हूँ तो काफ़ी सारी मशीनें ऐसी हैं जो कि जिनकी वीडियोस आपको पता है कि मैं फुल वीडियो दूँ तो फिर वो वीडियो बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। उसके अलावा अगर कोई जैसे होती हैं फ़िटनेस के रिलेटेड होती हैं बातें, आप मुझे ज़रूर बताया करें, मेरे व्लॉग में आप मुझे गाइड किया करें ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया हो कि मुझे कैसे करना है। इसीलिए मैंने कहा मैं आज आप सबसे जो है ना पूछ लेती हूँ। और डाइट के हिसाब से भी यहाँ पे जैसे अभी फ्रूट्स मिल रहे हैं, हाँ वो भी मैं ले रही हूँ साथ में, और फूल मखाने तो ले रही हूँ, ड्राई फ्रूट जो भी हैं थोड़े थोड़े वो भी यूज़ कर रही हूँ। बाकी इसके अलावा जैसे कोई एक्सरसाइजेज होती हैं या कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन हो जो आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, तो मुझे जो है ना कुछ हेल्प मिलेगी उससे। और बस यही कुछ बातें थी, मैंने कहा आज मैं आपसे ये सब बातें जो है ना शेयर कर लूँ। और बस आजकल मैं इतनी थक जाती हूँ ना, असल में ये घर का भी होता है, फिर बच्चों को भी देखना और फिर जिम की रूटीन भी है। और माशाल्लाह आज मैंने फर्नीचर देखे हैं, पूरी मार्केट वो विज़िट की है, शॉप विज़िट की है, तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन लगे, लेकिन रेट्स भी उतने हाई हैं। और आप सब मुझे बताइएगा, रेट्स मैंने इसलिए बताए हैं ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो है ना बहुत अच्छे हमें आइडिया भी दे देते हैं कि यहाँ पे हमारे सिटी में ये रेट्स हैं, बाहर क्या रेट्स हैं, मतलब जैसे लाहौर में, कराची में या अदर साइड में क्या रेट्स हैं, तो वो हमें पता चल जाता है। रेट्स बताने की वजह सिर्फ ये है। तो आप सब जो है ना मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा। तो इंशाल्लाह ये वाला जो मेरा फर्नीचर है, इसके अलावा जो है ना मैं एक दूसरा फर्नीचर लूँगी जो कि मुझे थोड़ा अच्छे में चाहिए, दूसरा थोड़ा सा चेंज में चाहिए। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी अपनी सेटिंग जो है ना चेंज कर लूँ। तो इंशाल्लाह बताइएगा आप, एक दो बातें जो मुझे आप सबसे पूछनी थी वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं, आप सब मुझे जो है ना गाइड कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो और आपकी बहुत सारी दुआओं में मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।